ओए भाई 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 प्लीज भाई, कोई बोले नहीं भाई प्लीज। ओए अरे यार रिकॉर्डिंग में भाई प्लीज, भाई प्लीज आधे घंटा होता है कम से कम। नहीं मारना, नहीं बात मारेंगे ठीक है भैया। तो बात करते हैं भैया चैप्टर नंबर सेकंड, ठीक है भैया। और एक बार बता दूं भैया चैप्टर नंबर सेकंड जो है, ठीक है भैया, थोड़ा सा चिन्नक भरसा हार्ड है चैप्टर नंबर फर्स्ट के कंपैरिजन में, ठीक है भैया। है आसान ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। लेकिन मैं इसको जिस स्टेप से करा रहा हूँ, जिस स्टेप से करा रहा हूँ, उस स्टेप से ये चैप्टर क्या होगा, फर्स्ट से भी आसान हो जाएगा। मानसू वो तार जो है ना वहां पर एक वो है क्लिप, उस मैट का ऊपर खड़ा तो जाएगा, दिखी तेरे को लगे ठीक है। तो भैया देखिए चैप्टर नंबर सेकंड की जो स्टार्टिंग है, अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो चैप्टर नंबर जो सेकंड है वो स्टार्ट है आपका भैया पोटेंशियल से। किससे स्टार्ट है? पोटेंशियल से। लेकिन भैया हम जो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वो पोटेंशियल से नहीं, पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि तो अगर मैं पोटेंशियल से स्टार्ट करूंगा ना तो आपकी बहुत सारी चीजें ना क्लियर ही नहीं होगी, पूछ पूछ जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको और आप उस चीज को फील नहीं कर पाओगे, ठीक है भैया। इसलिए अगर चीजों को फील करना है इस चैप्टर में तो भैया सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे। अब है क्या पोटेंशियल एनर्जी? तो भैया देखिए आपको याद होगा मैंने 11th क्लास में आपको बताया था, अगर हम किसी भी स्प्रिंग को खींचते हैं, क्या करते हैं, स्प्रिंग को खींचते हैं, तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। क्या स्प्रिंग अपने आप खींच जाती है? क्या अमित, क्या स्प्रिंग अपने आप खींच जाती है? नहीं खींचती। क्या स्प्रिंग को अपने अपने आप दब जाती है? हमें वर्क करना पड़ता है, हमें किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा है। किस फोर्स के? स्प्रिंग फोर्स के। किस फोर्स के? खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स आपको अंदर की तरफ खींचेगा। आप जब स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचते हो तो स्प्रिंग फोर्स क्या करता है भैया? अंदर की तरफ आपको खींचता है। लेकिन अगर आप स्प्रिंग को अंदर की तरफ दबाते हो तो स्प्रिंग फोर्स क्या करता है? आपको बाहर की तरफ धकेलता है। चलो ये तो स्प्रिंग की बात होगी, मतलब यहां पर हम जब खींचते हैं तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं और उसकी वजह से उसके अंदर एक एनर्जी आती है। कौन सी एनर्जी होती है भैया? तो उसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं उसे भैया? पोटेंशियल। जब आप स्प्रिंग को खींचोगे या दबाओगे तो स्प्रिंग के अंदर अपने आप एक एनर्जी स्टोर होती है जिसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और आपने कभी ये सोचा है कि स्प्रिंग फिर से अपनी शेप में क्यों आ जाती है? वो उसी एनर्जी की वजह से, जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड हुई है उसी एनर्जी की वजह से स्प्रिंग क्या करती है, वापसी अपनी शेप को रिगेन कर लेती है, वैसे ही कर लेती है जैसा वो डिफॉर्म करने से, डिफॉर्म मतलब शेप को चेंज करने से पहले थी। खींचोगे छोड़ोगे वापसी वही भाग जाएगी स्प्रिंग, दबाओगे छोड़ोगे फिर वापसी वही भाग जाएगी। तो जब वापसी भाग के आ रही है वो किस वजह से हो रहा है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से? यानी वो जो एनर्जी आई है वो आपको खींचने या दबाने की वजह से आई है, समझ गए भैया। और जिसने क्या किया, स्प्रिंग को दोबारा से उसके शेप और शेप को प्रोवाइड करवा दिया है, क्या कर दिया है, उसको दोबारा से उसके इनिशियल शेप को प्रोवाइड कर दिया ना। चलो एक काम करते हैं, पत्थर उठाते हैं, पत्थर उठाओ, जमीन से पत्थर उठाओ, जमीन से अपने आप पत्थर उठ जाता है क्या? प्रयास करना पड़ता है ना आपको भैया, वर्क करना पड़ता है। किसके आगे? यहाँ पर देखिए भैया, स्प्रिंग को खींच रहे हो या स्प्रिंग को दबा रहे हो तो वहां पे स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो। स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा? अंदर की तरफ। स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा? यानी इन दोनों ही केस में आपको स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा है और तभी आप उसके स्प्रिंग के अंदर एनर्जी आ रही है जिसको हमने क्या नाम दिया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कर रही है, क्या कर रही हो? स्प्रिंग को वापसी उसकी शेप में ला रही है, स्प्रिंग को वापसी उसकी शेप में ला रही है, समझ गए। एक धागा देखो भैया, धागे को आप खींचते हो धागा टूट जाता है, धागा के अपनी शेप को रिगेन कर पाता है? क्योंकि उसके अंदर ये हम किसी के अगेंस्ट में काम नहीं कर रहे, धागे धागे को देखो, धागा मुड़ा हुआ है, ऐसे मुड़ा हुआ है एक जगह पे, आप धागे को ऐसे खींच दो तो क्या धागा वापसी अपनी शेप में वैसे चले जाता है जैसे पहले था? नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर्ड, समझ गया, आप किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हमने स्प्रिंग को खींचा ये स्प्रिंग को दबाया तो आपने वहां पे फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया और जब वर्क करोगे तो उसके अंदर क्या आएगी, पोटेंशियल। और जब पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो वो एनर्जी क्या करती है, बॉडी को रिस्टोर कर देती है। चलो आप पत्थर उठाते हैं, पत्थर उठाओगे क्या, पत्थर अपने आप उठ जाता है क्या? नहीं उठता। उसको उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करना पड़ता है। किसके अगेंस्ट में? ग्रेविटी कहाँ लगती है? और आप कहाँ उठा रहे हो तो उसके अंदर क्या आएगी,
आपको याद है आप जितनी हाइट पर उठाते हो उतनी ज्यादा क्या थी उसके अंदर, और MGH होती है ना, MGH H जितना H होगा उतना ज्यादा क्या होगा पोटेंशियल चाहिए। तो जितनी ज्यादा हाइट पे जाओगे उतने ज्यादा आप क्या करोगे वर्क, क्या करोगे और उतनी ज्यादा आएगी क्या एनर्जी, उतनी ज्यादा क्या आएगी भैया। इस चीज को महसूस करना तो पसर से सर पे इतनी दूर से पत्थर गिराना, फिर इतनी दूर से पत्थर गिराना, फिर सबसे बढ़िया सर कब फटेगा, सबसे बढ़िया सर कब फटेगा जब सबसे ज्यादा हाइट पर रहेगा, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा वर्क किया उसको सबसे ज्यादा हाइट पर जाने के लिए, और जब सबसे ज्यादा वर्क करोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी आएगी, सबसे ज्यादा क्या आएगी, और वही एनर्जी आपके सर फाड़ने में आपकी सहायता करेगी, समझ गए। अब देखिए भैया, अब अगला, ठीक है भैया, आपने मैग्नेट्स देखे, मैग्नेट्स छोटे छोटे मैग्नेट्स, ठीक है भैया, तो मैग्नेट के अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल को या साउथ पोल को पास में ले आने का प्रयास कीजिए, तो क्या वो पास में खुद ब खुद चले जाते हैं, रिपेल करते हैं ना दूसरे, आप पास में ले आओगे तो कम रिपेल करेंगे, छोड़ोगे वापसी भाग गए, भाग जाते हैं ना अपनी पोजिशन पे, जैसे ही रिपल्शन होता है जहां पर रिपल्शन स्टार्ट होता है तो वैसे अगर छोड़ोगे तो वापसी वहीं पर चले आएंगे। तो वापसी गए क्यों, हमने तो वर्क नहीं किया था ना, हमने तो उनको पास में लाने के लिए वर्क किया था, तो वापसी भाग क्यों गए, अबे एनर्जी की वजह से, किसकी वजह से, कौन सी एनर्जी की वजह से, यहाँ पर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है। आपको पता है भैया सेम पोल लाओगे तो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, बाहर की तरफ लगेगा, क्या लगेगा, और आप कहाँ ला रहे हो, यहाँ पर भी आप अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, ठीक भैया, जब अगेंस्ट में वर्क करोगे तो क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि सिस्टम को क्या करेगी, रिस्टोर करेगी, क्या करेगी, समझ गए, समझ गए। आप दो लाइट चार्ज को पास में लाओ, क्या अपने आप आ जाएंगे लाइट चार्ज पास में, पास में लाओगे तो रिपेल करेंगे, रिपेलिंग फोर्स क्या होता है, बाहर की तरफ, और आप कहां ला रहे हो, अंदर की तरफ, तो क्या होता है वहां पे, फिर आप वर्क डन अगेंस्ट द क्या करोगे, रिपेलिंग फोर्स, तो इस केस में फिर क्या आएगी भैया, पोटेंशियल एनर्जी, और फिर क्या करेगी वो, सिस्टम को रिस्टोर करेगी, समझ गए भैया। तो ये ध्यान रखना भैया, अच्छा देखो चलो ये तो हो गया रिस्टोर करने वाला, या फिर यहाँ पे आपको जो एनर्जी आ रही है उसकी बात किया, ठीक है भैया, कब कब एनर्जी आएगी आपको पता लग गया, ठीक है। अब बताओ कभी आपने गोबर देखा, गोबर एकदम फ्रेश गोबर देखा, एकदम फ्रेश गोबर जो निकला ही एकदम ताजा था, तो उसकी शेप कुछ एकदम टाइट सी होती है, गुम्मत सा बना होता है एकदम, ठीक है। चलो जैसे आप उसके ऊपर पैर रखते हो, गोबर क्या होता है, ऐसे बिखर जाते हैं करके फैल जाता है, क्या गोबर अपने आप को रिस्टोर कर पाता है, क्योंकि तो पैर रखने के बाद दोबारा से गोबर यूं खड़ा होता है यूं करके, ऐसा हो पाता नहीं हो पाता ना, यानी गोबर में रिस्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है, रिस्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है, समझ गया भैया, रिस्टोरिंग कैपेसिटी मतलब उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड ही नहीं हुई, आपने जो वर्क किया वो उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड, अगर स्टोर होता तो वापसी गोबर क्या होता, वैसे ही हो जाता जैसे पहले था। हाँ भाई ऐसा एग्जांपल दो जो लोग इंटरेस्टिंग होकर सुनो। अब गोबर आप बेसिक मुंह बना रहे हो लेकिन सुन बहुत आराम से रहे हो, अच्छा एग्जांपल है तो नाइस। पुट्टी देखिए, पुट्टी बिरला वाइट पुट्टी, पुट्टी से मिलती जुलती चीज भी देखी होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें अपने आप को रिगेन नहीं कर पाती क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी इसलिए स्टोर नहीं होती क्योंकि आपको कभी भी अपोज नहीं करते, स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग फोर्स आपको अपोज करता है, स्प्रिंग को दबाओगे तो फिर भी क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स आपको अपोज करेगा। दो मैग्नेट्स के सेम पोल को पास में लाओगे तो मैग्नेट के सेम पोल आपको अपोज करेंगे पास में लाने से, ठीक है भैया। पत्थर को ऊपर ले आओगे तो ग्रेविटी आपको अपोज करेगी, तो जहां पर अपोजिंग फोर्स है वहीं पर क्या आती है भैया, पोटेंशियल एनर्जी, वही चीज अपने आप को क्या करती है, रिस्टोर कर पाती है। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती, जो चीज आपको अपोज नहीं करती उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं आएगी और वो कभी भी अपने आप को रिस्टोर नहीं कर पाएगी। जैसा कि हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, क्या पढ़ने जा रहे भैया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा बताओ मैंने इतना सब कुछ बता दिया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात स्टार्ट होगी तो बताओ यहाँ पे क्या करने वाले हैं आप, बताओ। देखो भाई मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, या यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आने वाली है उसके बारे में कोई भी बात नहीं की मैंने, लेकिन अब देखिए मैं सुनना चाहता हूँ कि आप लोग क्या समझ रहे हो इस चीज से, बता भाई परवेश, किस चार्ज, किस टाइप के चार्ज को, लाइट चार्ज को, बिल्कुल सेम यही करने वाले हैं। आपको पता भैया इसमें हम क्या करेंगे भैया, लाइट चार्ज को, शकुन खड़ा होगी इधर आ जा भाई, प्लीज आ जा, आगे आ जा, आ ये है जगह। तो पढ़ने वाला बच्चा इनके साथ मत बैठा कर,
इन अलाकों के साथ बैठता तो इतना होनहार बच्चा। चलो बैठ ठीक है भैया। तो यहां पर हम क्या करने वाले भैया, दो चार्ज को क्या लाएंगे, किसके अगेंस्ट में वर्क करेंगे, रिपेलिंग फोर्स का, किसके करेंगे, और पास और वर्क और एनर्जी, बोलो ना, और पास और वर्क और एनर्जी, और पास और पास, जितना पास लाओगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और उतना ही ज्यादा क्या है ये एनर्जी आएगी। कोई दिक्कत नहीं होगा है, तो देखिए भैया, देखिए भैया यहाँ पर जिस भी फोर्स की बात कर रहे हैं, आपने देखा स्प्रिंग के अंदर एनर्जी आ रही थी, है ना, स्प्रिंग कौन सी एनर्जी, स्प्रिंग कौन सा फोर्स लगाती है, स्प्रिंग फोर्स। आपने दो मैग्नेट को पास में लाया, वहां पे वो रिपेल कर रहे थे, मैग्नेट कौन सा फोर्स लगा था, मैग्नेटिक फोर्स, क्या लगा था, पत्थर को ऊपर ले आ रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, सारे के सारे क्या है, कंजर्वेटिव नेचर, क्या क्या है, और आपको बता दूं भैया कंजर्वेटिव फोर्स कौन से फोर्स होते हैं, वो फोर्स होते हैं जिनके द्वारा क्लोज पाथ में बर्गन की वैल्यू क्या होती है, जीरो आती है। ऐसा फोर्स जिसके थ्रू अगर आप क्लोज पाथ में वर्क करो तो वर्क की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं भैया, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। एक पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, स्टेट पे डिपेंड करता है। मुझे स्टेट पे डिपेंड करने का मतलब है कि मुझे यहां से लेके विकास भैया के घर पे जाना है, मेरी इनिशियल स्टेट क्या भैया मेरा, और फाइनल स्टेट क्या भैया, विकास भैया का। मैं किसी भी रास्ते से जाऊं, कोई भी रास्ता चुनूं, अमेरिका से लंदन, लंदन से होता विकास भैया क्या, कोई सा भी रास्ता चुन लो, वर्क आपका हर केस में क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि वर्क यहां पर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा भैया, स्टेट पे। मेरी इनिशियल स्टेट क्या ये है और फाइनल स्टेट क्या भैया, विकास भैया का घर, समझ गए भैया। तो ऐसे फोर्स जो स्टेट पर डिपेंड करते हो, पाथ पर डिपेंड ना करते हो, या जिनके द्वारा किया गया वर्डन क्लोज पाथ में क्या है, जीरो आए, ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं भैया, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स में मैं बात करता हूं भैया, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नेचर का है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी जो है आपकी कंजर्वेटिव नेचर की। आपको याद ना मैंने बताया था कि आप चाहे इस रास्ते वर्क करो, चाहे सीढ़ी वाले रास्ते पे वर्क करो, याद है, चाहे आप ऊपर सीधा ले जाओ, वर्क हर केस में क्या था, MGH, नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था वर्क, यानी जो आपका MG है, यानी जो ग्रेविटी है, यानी जो ग्रेविटेशन फोर्स है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, समझ गए भैया। तो ऐसे फोर्स जिनके द्वारा किया गया वर्डन इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, समझ गया, ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं भैया, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और जब भी ऐसे फोर्स के अगेंस्ट में हम वर्क करते हैं, ऐसे फोर्स के जो कि क्या हो भैया, कंजर्वेटिव नेचर का, क्या हो, कंजर्वेटिव नेचर का हो, तो ऐसे किस केस में जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं तो बॉडी के अंदर एक एनर्जी आती है जिसको हम क्या कहते हैं भैया, पोटेंशियल एनर्जी। हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क किया था, याद है, ऊपर चीजों को उठाया था तो आई थी ना एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया था तो आई थी ना एनर्जी, आई थी, मैग्नेट के सेम पोल को पास में लगे थे तो आई थी ना एनर्जी, चार्ज के सेम चार्ज को पास में लगे थे तो आई थी ना एनर्जी, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी फोर्स जिसके अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं वो सबके सब किस नेचर के हैं, कंजर्वेटिव, क्या भैया, तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जब भी आप वर्क करोगे तो बॉडी के अंदर क्या आती है, एनर्जी, क्या आती है भैया, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं भैया, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट में करोगे तो उसके अंदर जो एनर्जी आएगी पोटेंशियल एनर्जी, उसे कहेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। दो चार्जेस को पास में लाओगे तो क्या एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को खींचोगे या दबाओगे तो कौन सी एनर्जी आएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पत्थर को उठाओगे तो कौन सी रहेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में बात नहीं, एनर्जी क्यों आती है, किस लिए आती है, तो भैया वर्क डन अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव फोर्स। जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में क्या करोगे तो क्या आएगी, बोलना भाई, कंजर्वेटिव क्या आएगी भैया, क्या आएगी, क्या आएगी, कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। आगे बैठ, थोड़ा वहां पे आना पड़ रहा है मुझे, ठीक है भैया।
तो क्या आएगी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं बेटा किसी को। अब इस चैप्टर को ही हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं भैया कि हम यहां पर करेंगे दो चार्जों को पास में लाएंगे। क्या लाएंगे? वो दोनों चार्ज रिपेल कर रहे हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं? और जब आप पास लाओगे तो सिस्टम के अंदर क्या आएगी? चार्ज को ला रहे हैं उसमें क्या आएगी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? आपके छोड़े जाने के बाद चार्ज फिर क्या होंगे? दूर दूर चले जाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी करती क्या? सिस्टम को रिस्टोर करती, वैसा ही करती है जैसा वो पहले था। समझ गए बेटा? तो लिखिए भैया पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, चैप्टर नंबर टू। अबे छोड़ना तो चैप्टर नंबर टू लिखना, नाम बाद में लिखना। वर्क डन अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव फोर्स, ब्रैकेट में लिखो बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स में लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के ब्रैकेट में लिखना ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सेट्रा, ब्रैकेट बंद कर दो, एक्सेट्रा ब्रैकेट में बंद कर दो। वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाँ, इज ऑल, ब्रैकेट बंद कर देना, इज ऑलवेज इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में लिख दिया ना सारे नाम, इस ब्रैकेट बंद कर दिया, इज ऑलवेज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। डीजल को पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिस्टोर द सिस्टम, मतलब सिस्टम को क्या करती है भैया? रिस्टोर करती है। इट मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है भाई जी, दो चार्जों को पास पास देखो, देखो दो चार्जों को, ये भी Q1 भी क्या है? पॉजिटिव है। Q2 भी क्या है बेटा? क्या है? खुद ब खुद पास आ जाएंगे? दो लाइक चार्ज पास ना आ सकते कभी? कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? किसके केस में? रिपल्सिव फोर्स के केस में। क्या है इसके अंदर? ला रहा हूं रिपल्सिव फोर्स, दूर ढकेल रहा है। मैं क्या कह रहा हूं? वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्या होगी भैया? पोटेंशियल। और यहाँ पे किसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं? रिपल्सिव फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट दी रिपल्सिव फोर्स किसके, किस फॉर्म में स्टोर होगी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है भैया, अब यहाँ पर इन दोनों सिस्टम तो अपने आप नहीं आ रहे पास पास में, हमें लाना पड़ रहा है। आप वर्क डन कर रहे हो ना सिस्टम के ऊपर, और जब सिस्टम के ऊपर कार्य किया जाता है तो एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है भैया? कुकर अगर हीट छोड़ेगा तो तापमान उसका क्या होगा? गिरेगा। एनर्जी क्या होगी उसकी? सिस्टम वर्क कर रहा है इसके, उसमें क्या कर रहा है? जब सिस्टम खुद वर्क करता है तो एनर्जी क्या होती है भैया? पत्थर छोड़ो, पत्थर छोड़ दिया, पत्थर, ये पत्थर है, इसको छोड़ दो यहाँ पे, ये नीचे गिरेगा, गिर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है? घट रही है। क्यों? क्योंकि खुद काम कर रहा है। क्यों घट रही है? जब सिस्टम खुद काम करता है तो एनर्जी क्या होती है भैया? घटती है। लेकिन आप बताओ भैया, मैं पत्थर को उठा रहा हूं तो अपने आप उठ जाएगा क्या? कार्य करना पड़ा ना, एनर्जी क्या हुई? बढ़ी या घटी? बढ़ी। बर्डन ऑन द सिस्टम क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। बर्डन बाय द सिस्टम क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही भैया? इंक्रीज कर रही है। क्या हो रही भैया? बर्डन ऑन द सिस्टम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अभी एक मिनट रुक जाओ,
एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये खुद ब खुद तो पास आ जाएंगे। खुद ब खुद अगर पास आ रहे हैं तो ये वर्क कौन कर रहा है? मैं, ये सिस्टम खुद कर रहा है। और जब सिस्टम भाईजान खुद भर करता है तो एनर्जी क्या होती है भैया? बढ़ती है। तो बेटा ये देखो पड़े एनर्जी डिक्रीज हो, कॉपी करो भैया फटाफट जल्दी से, समझ गया बेटा? प्रेम, अगर इस केस में मुझे एनर्जी बढ़ानी है, प्रेम इधर देख, इस केस में मुझे एनर्जी बढ़ानी है तो क्या करूंगा? ये इस केस में ये क्या कर रहा है? अपने आप पास आ रहा है। अगर मुझे बढ़ानी है तो मैं वर्क डन ऑन द सिस्टम करूंगा, क्या करूंगा? अगर पास तो खुद ब खुद आ रहा है, अगर मैं इसको दूर ले जाऊं तो ये खुद ब खुद तो नहीं होगा ना। अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज खुद ब खुद दूर जाते हैं क्या? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज खुद ब खुद दूर जाते हैं क्या? उनको ले आने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है। तो इन दोनों चार्जों को जब दूर ले जाएगा, अपने आप तो दूर नहीं आएंगे ना, तो ये दूर ले आना पड़ेगा ना, तो ये इसको पर वर्क करना पड़ेगा ना। तो वर्डन ऑन द सिस्टम से क्या होता है? वर्डन ऑन द सिस्टम से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज करती है। क्या करती है? तो इन दोनों चार्जेस को जब अपने आप आएंगे तो भैया रिपेल होगी, एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है भैया, डिक्रीज करेगी। लेकिन जब तू इनको दूर दूर ले आएगा तो अट्रैक्शन फोर्स कहां लग रहा है? अंदर। और तू वर्क कहां कर रहा है? तो जब अगेंस्ट द वर्क होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज करती है। रिपल्सिव मतलब किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हो आप, तो वहां पर एनर्जी क्या होगी आपकी? इंक्रीज करेगी। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज के केस में जब आप सिस्टम को दूर ले जाओगे तो उस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन अगर खुद ब खुद ये पास आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भैया? घटेगी। इस केस में बर्डन बाय द सिस्टम मान जाएगा। समझ गया भैया? कॉपी करो भाई। ओए भाई प्लीज, आप देखिए मैं कुछ आपको, ए भाई प्लीज कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। चुटकी की बात कम हो गई है ना, तबीयत खराब है क्या इसकी? कुछ और एग्जांपल देता हूँ, आप देख लेना कि भैया किस किस केस में। ताली हो जाओ ना। ए, भाई देखिए, और एक सेकंड देखिए, देखिए आप बताओ, पत्थर ये है पत्थर, इसका वेट कहां लग रहा है भैया? नीचे। इसी वेट को हम क्या कहते हैं बेटा? आपको याद है ग्रेविटी? याद है ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स? मैंने आपको बताया था नाम अनेक क्या है चीज एक। ठीक है भैया, आप ऊपर इसको उठा रहे हो, ऊपर क्या कर रहे हो भैया? उठा रहे हो। क्या कर रहे हो? उसे उठा रहे हैं। जब उठा रहे हैं तो वर्क डन अगेंस्ट द क्या होगा? वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। खुश हो जा बेटा, ये लिख देगा। ठीक है, तो क्या होगा भैया? पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या बेटा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव। क्या है बेटा? अभी समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर एक। दूसरा एग्जांपल देखिए बेटा, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, ये लाइक पोल है। लाइक पोल को पास पास में लाओगे तो ये क्या करते हैं बेटा? रिपेल, रिपेल कर रहे हैं, दूर दूर ढकेल रहे हैं। आप क्या ला रहे हो? पास में ला रहे हो। क्या ला रहे हो भैया? पास में ला रहे हो। तो पास में लाओगे तो वर्डन रिपेलिंग फोर्स कहां लग रहा है भैया? बाहर की तरफ। कहां लग रहा है? बाहर की तरफ रिपेल कर रहे हैं, लेकिन आप पास में ला रहे हो, तो यानी वर्क डन किसके अगेंस्ट कर रहे हो? वर्क डन अगेंस्ट क्या भैया? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट दी मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा भैया? कौन सी एनर्जी आएगी? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ गया भैया? पास लाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, दूर जाएगा तो एनर्जी क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है भैया, तीसरा एग्जाम्पल, चार्ज Q1 है, Q2 है, ये दोनों चार्ज क्या है भैया? पॉजिटिव। ये दूसरे एक दूसरे क्या करेंगे? रिपेल। क्या करेंगे भैया? आप फिर भी पास ला रहे हो तो वर्डन इसके अगेंस्ट में कर रहे हो, वर्डन अगेंस्ट दी, अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या है भैया? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो किसकी फॉर्म में आएगी? इलेक्ट्रिकल, जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, अगला देखो चैप्टर चार एग्जाम्पल। मैंने और कहा स्प्रिंग, याद है स्प्रिंग है ना? ये स्प्रिंग बेटा, आप स्प्रिंग को कहां कर रहे हो? बाहर खींच रहे हो। ठीक है भैया, बाहर खींच रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग फोर्स कहां लगता है? अंदर की तरफ। स्प्रिंग फोर्स कहां लगता है बेटा? स्प्रिंग फोर्स, फोर्स अंदर की तरफ। आप कहां खींच रहे हो? बाहर की तरफ। स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा है? तो वर्क डन किसके अगेंस्ट में कर रहे हो? वर्क डन
अगेंस्ट अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स तो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? इलास्टिक पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? ठीक है भैया, तो आप देखो क्यों हुआ, क्योंकि ये भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या भैया? ये भी क्या है भैया? ग्रेविटेशन फोर्स। हाँ बता दीजिए। और ये क्या है भैया? रिपेलिंग फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है? कंजर्वेटिव है। ये भी क्या है भैया? इलेक्ट्रिक फोर्स। ये भी क्या है भैया? कंजर्वेटिव। कोई दिक्कत नहीं बेटा। और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स भी क्या होता है बेटा? तो जब भी आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करोगे तो सिस्टम के अंदर वो वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होगा गुड़िया? पोटेंशियल जी। और पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिस्टोर द सिस्टम। ग्रेटर द वर्क डन, ग्रेटर विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? एंड वाइस वर्सा। चलो भैया फटाफट कॉपी करो। अच्छा 2 मिनट के अंदर कॉपी करना।